आज की जो C++ की प्रैक्टिकल की क्लास है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 या असाइनमेंट नंबर 6 करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर अगर 5 कर रखा है तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उससे उसी कोड में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, तो इसको मैं पहले समझाने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है जिसमें डेटा मेंबर्स क्या क्या रहेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने, या अगर क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने बनाया है तो मैं उसका कोड आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर कोड बना हुआ है तो उसी में हमको आगे इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा है कि क्लास बनाई गई है स्टूडेंट नाम की और उसमें क्या क्या डेटा मेंबर्स बनाए गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डेटा मेंबर्स बनाए गए हैं। उसमें क्या क्या है? रोल नंबर, नेम और 3 सब्जेक्ट के नाम। रोल नंबर, नेम और 3 सब्जेक्ट के नाम। तो ये चीज यहाँ पर बोला गया है कि रोल नंबर आपको क्या क्या चीज बनानी है, रोल नंबर, नेम और नेम ऑफ 3 3 सब्जेक्ट्स। उसके बाद है मैक्सिमम, मिनिमम और ऑब्टेन मार्क्स, ये भी बना होगा। मैक्सिमम, मिनिमम और 3 सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स। तो ये यहाँ पर जो ये लिस्ट बनी है ये हमने अपने मन से नहीं बनाई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट के ये सारे रिकॉर्ड्स हमको करने हैं और इसको पब्लिक हमने किया था ताकि एक्सेस इसका मिल पाए। अब उसमें बोला गया है, आगे क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 5 में ही बोला गया था, प्रोवाइड फैसिलिटी टू इनपुट डेटा एंड इनपुट डेटा को इनपुट करना है एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, उसको डिस्प्ले भी करना है। तो इनपुट के लिए हमने एक फंक्शन बना लिया मेंबर फंक्शन और डिस्प्ले के लिए भी एक मेंबर फंक्शन बना लिया। तो यहाँ पर देखिए हमने इनपुट के लिए एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया वॉइड गेट और उसमें उन 10 चीजों को इनपुट लिया। पहले रोल नंबर लिया, फिर नेम, फिर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टेन 1 2 3। सिर्फ सी आउट सी इन, ये सेम उसी के जैसे है, प्रिंट एफ स्कैन एफ के जैसे, लेकिन आपको यहाँ पर %C%D%F वाला जो झंझट है वो नहीं करना है। C++ की खासियत ये है कि यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप हो वो इसी तरीके से वो इनपुट लेता है, वो ऑटो कन्वर्ट कर लेता है इंटरनली उसको। तो ये पहली फैसिलिटी थी जिसको हमने गेट नाम दिया। नाम जरूर याद रखेंगे, वही जो है आगे यूज होने वाला है गेट। ये गेट नाम लिखते ही इनपुट लेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि मेन फंक्शन में मैंने लिखा है s1.get। यहाँ पर गेट इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर में यहाँ पर गेट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा तो नीचे मेन में भी नाम चेंज करना पड़ेगा। तो पहली फैसिलिटी हमने बना रखी थी क्वेश्चन नंबर 5 में जिसमें हमने इनपुट लिया, और दूसरी फैसिलिटी हमने बनाई है डिस्प्ले करने की जिसमें रिजल्ट हम डिस्प्ले कर रहे हैं। हम डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट को, कि सबसे पहले हमने रोल नंबर लिखा, उसके बाद रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट 1 2 3, मैक्स, मिन, ऑप्टन, ये 10ों को लाइन से डिस्प्ले कर दिया था। और यहाँ पर हमारा अब मेन में हमने जो बताया कि इस तरीके का कोड हमने किया, क्लियर स्क्रीन। स्टूडेंट एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि क्लास के थ्रू बनाया गया है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। ये सेम इंट आई जैसा है, इंट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं होकर प्राइमरी डेटा टाइप होता था। फिर s1.get किया और s1.display किया। गेट और डिस्प्ले क्यों लिखे हैं इसका कारण आपको मैं बता चुका हूँ, गेट हमने यहाँ बनाया है इसलिए हमने गेट लिखा हुआ है, क्लियर। और इनके मेंबर्स को यूज करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हुए, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अब देखिए सेम चीज लिखी हुई है, क्रिएट ए क्लास स्टूडेंट, एक क्लास बनानी है जिसका नाम होगा स्टूडेंट हैविंग डेटा मेंबर्स। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो डेटा मेंबर्स दिए थे सेम वही डेटा मेंबर है, रोल नंबर, नेम, नेम ऑफ सब्जेक्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टेन मार्क्स, सेम चीज दिया हुआ है, नेम, नेम ऑफ सब्जेक्ट, मैक्सिमम, मिनिमम और ऑप्टेन मार्क्स। अब यहाँ पर बोला कि डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, 5th क्वेश्चन में बोला गया था कि डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट यानी एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट s1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, इनपुट लिया और उसको डिस्प्ले कर दिया, यही बोला गया था। ये 3 काम करने के लिए बोला गया था, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि 3 काम आप करिए कि प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू इनपुट एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, डिक्लेयर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमको एरे बनाना है।
टू होल्ड डेटा ऑफ थ्री स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमको S1 ना बना करके एक एरे बनाना है ऐसा, और 3 स्टूडेंट का स्टोर करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इंडेक्स में उसकी साइज 3 दे दिए। तो ये जो एरे बना है ऑब्जेक्ट का एरे है, क्योंकि S एक ऑब्जेक्ट है और ये एक क्लास है जिसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। तो S एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का एरे बना, और ये अब 3 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेगा, 3 स्टूडेंट का डेटा इनपुट लेगा, 3 स्टूडेंट का डेटा आपको प्रिंट भी करके देगा। क्लियर? कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो कोड है इसमें केवल आप 0 बढ़ाते जाइए। अगर आपके पास 30 स्टूडेंट हैं तो 300, 3000, 3 लाख, 30 लाख, केवल 0 बढ़ाना है आपका। यही कोड जो है एक बड़ा डेटा भी हैंडल करेगा और 3 लोगों के स्टूडेंट का डेटा भी हैंडल करेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आप एक एरे बनाइए और वो 3 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेगा। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइड फैसिलिटी टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे थे लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट का रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे थे, अब हमको यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करना है, बल्कि 3 स्टूडेंट का रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन इक्वल टू 2 और आई प्लस प्लस करके मैं एक लूप चलाऊंगा, और यहाँ पर ये लूप जितने बार चलेगा उतने बार रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। ये मेरा बन गया मेन में कोड। अब इसको मैं चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक लाइन है इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट का यूज नहीं कर रहे थे। तो मैंने ये बना दिया, इसने जो जो बोला पुराने क्वेश्चन में ऐड करो, मैंने ऐड करते जा रहा हूँ। इसने बोला कि पहले डिक्लेयर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू स्टोर डेटा ऑफ 3 स्टूडेंट्स। तो मैंने 3 स्टूडेंट को स्टोर करने के लिए यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैं इसको सेव एस कर लेता हूँ ताकि नई फाइल बन जाए हमारे पास P6। फिर ठीक है, इसने ये कहा कि 3 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाइए, 3 स्टूडेंट का। तो मैंने एरे बना दिया और ऑल स्टूडेंट को का रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे बनाइए, तो मैंने लूप चला दिया यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 3। तो अगर 30 स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 300 होंगे तो यहाँ 300 होगा, 30,000, 3 लाख, केवल 0 बढ़ाना है, कोड यही रहेगा। क्लियर? तो मैं 3 को ही कर देता हूँ यहाँ पर। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। डिक्लेयर एरे ऑफ, ये तो हो गया था, प्रोवाइड फैसिलिटी टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, और एक और चीज दिया है, प्रोवाइड ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ ए स्पेसिफिक स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज गिवन। यानी आपको एक रोल नंबर पूछना है कि आपका रोल नंबर क्या है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ इंट आर नंबर, ठीक है, और यहाँ पर आप इनपुट लेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सी आउट नंबर, ये यूजर इनपुट करेगा, मैं सी इन कर देता हूँ आर एन में। अब जो रोल नंबर आप देंगे सिर्फ उसका ही डेटा प्रिंट होगा। तो यहाँ पर 3 है तो उन 3 में से कोई एक ही प्रिंट होगा। उसका लॉजिक हम अभी बनाएंगे थोड़ी देर बाद, इसका कोड लिखेंगे, या लॉजिक मैं भी राइट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ, लॉजिक सीधा राइट कर देते हैं। तो आपको पता है कि ये जो लूप है वो 3ों स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर देगा, लेकिन हमको उन 3 में से केवल एक का ही प्रिंट करना है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं यहाँ पे इफ लगा देता हूँ, मुझे सिर्फ उसका डेटा ही प्रिंट करना है जिसका रोल नंबर दिए गए रोल नंबर से मैच खाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एस आई डॉट रोल नंबर इक्वल इक्वल आर नंबर। अगर ऐसा है तभी प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट मत करना। तो मैंने एक इफ लगा दिया, तो ये कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होगी, अगर लूप 100 बार भी चल रहा है सिर्फ एक बार ही उसका रोल नंबर किसी एक से मैच होगा तभी वो डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये लॉजिक भी मैंने लगा दिया, तो यही करने के लिए बोला है उसने क्वेश्चन नंबर 6 में कि आप एक
स्टूडेंट एक डेटा टाइप बनाओ, 3 स्टूडेंट का वैल्यू स्टोर करो। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी वैल्यू स्टोर करने के लिए भी मैं लूप चला देता हूँ, तो यहाँ पर गेट के लिए भी मैं लूप चलाऊंगा ताकि 3 स्टूडेंट की वैल्यू वो स्टोर करे। तो यहाँ पर s1.get, मेन का कोड हमारा हो चुका है। अब हमको क्लास में थोड़ा सा चेंजेस करना है। मेन का पूरा कोड हमारा रेडी है, हमने 3 स्टूडेंट बनाए, 3 स्टूडेंट का डेटा गेट किया या इनपुट लिया लूप चला करके। इसके लिए एरे वगैरह कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने 3 स्टूडेंट का डेटा यानी ऑल स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। फिर मैं पूछा एंटर योर रोल नंबर, आपका रोल नंबर बताइए। वो जो भी रोल नंबर देगा सिर्फ उसी का, इफ कंडीशन लगी हुई है, 3 बार लूप चलेगा और एक बार ऐसा होगा कि स्टूडेंट का जो रो आया है उसका रोल नंबर आपके दिए गए रोल नंबर से मैच होगा और ये प्रिंट हो जाएगा। सिर्फ एक बार ऐसा होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ इफ लगा दिए। ठीक है, तो ये आपका ऊपर का जो कोड है इसमें हमको थोड़ा सा चेंजेस करना है, क्योंकि आपने ये मेंबर्स तो बना लिए, गेट भी कर लिया, प्लस डिस्प्ले भी कर दिए, लेकिन आपने यहाँ पर जो डिस्प्ले कराया है ये डिस्प्ले जो है ऐसा हो रहा है, ऐसा आउटपुट आएगा, कॉलम में आएगा, जबकि हमको टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले इसको रन करते हैं, रन करके देखेंगे कि इसमें जो आउटपुट है वो किस तरीके से आ रहा है और आउटपुट को डिस्प्ले को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर, चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैंने C++ का एडिटर विंडो ओपन कर लिया है और P6 को ओपन करते हैं। आपका कोड ओपन हो गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा जो कोड है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले लास्ट क्लास में केवल एक ही स्टूडेंट स्टोर हो रहा था, यहाँ पर 3 स्टूडेंट हो रहे हैं। चलिए कंपाइल करके देखते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। एक एरर हमको दिख रहा है, अनडिफाइंड सिंबल आई, और यहाँ पर हम आई भी बना लेते हैं। हमारा जो रेडी है बन के, कंपाइल के कोई भी एरर नहीं है, रन करके देखते हैं। चलिए 3 बार अब डेटा मांगेगा, पहला स्टूडेंट का रोल नंबर। अब ध्यान से देखिए, मैं लाइन से दे रहा हूँ रोल नंबर ताकि आपको याद रहे। 101 नाम में दिया, ए ए ए जानबूझ के मैंने ए ए दिया, फिर बी बी दूंगा, फिर सी सी दूंगा। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा सी वी बी और जावा, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिया 100 20 20, और यहाँ पर मैं जानबूझ के पहला जो स्टूडेंट है ना उसको दे रहा हूँ 70 70 70, जानबूझ के मैंने उसको एक जैसे मार्क्स दिया ताकि आपको याद रहे। क्लियर है। अब वो दूसरे स्टूडेंट का डेटा मांगने लग गया है, 3 स्टूडेंट का डेटा मांगेगा, फिर से रोल नंबर मांगा 102, पहले वाले का दिया था 101, इसको मैंने दिया बी बी बी, फिर मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ सी वी बी और जावा। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स 100 20, और ऑप्टेन मार्क्स जो होगा आपका क्या है, मैंने जानबूझ के 80 80 और 80, जानबूझ के 80 80 दे दिया। तीसरा स्टूडेंट का रोल नंबर मांगेगा वो, देखिए 3 बार लूप चला है, 3000 बार चलेगा तो 3000 बार मांगने लगेगा। 103 सी सी सी, सब्जेक्ट 1 में लिखा मैंने सी वी बी जावा, मैक्सिमम 100 मिनिमम 20, और थर्ड स्टूडेंट को मैंने दिया 90 90 और 90। जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करने वाला है। जैसे मैं एंटर किया, ये देखिए यहाँ पर पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड, दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड और तीसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है। और लास्ट में मुझसे पूछ रहा है एंटर योर रोल नंबर। अगर मैं रोल नंबर 101 देता हूँ तो केवल 101 का रिकॉर्ड ही दे रहा है, 2 3 का नहीं दे रहा है, अब देख पाएंगे। और उसमें नाम दे रहा है ए ए ए सी वी बी जावा 120 70 70 70, यानी प्रोग्राम पूरी तरीके से हमारा बना हुआ रेडी है। सिर्फ हमको करना ये है कि इसको टेबुलर फॉर्म में दिखाना है। डेटा भी अच्छे से स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है और केवल 2 या 3 स्टूडेंट का डेटा ही ये डिस्प्ले कर पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूरे स्टूडेंट को टेबुलर फॉर्म पे डिस्प्ले करे और अट्रैक्टिव लुक में डिस्प्ले करे। थोड़ा सा कोड हम चेंज करेंगे। चलिए प्रोग्राम तो बन गया है, आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन अट्रैक्टिव लुक नहीं है, इसको लुक देना है। तो अपने प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्लियर है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। जो हमारा प्रोग्राम था
रीलोड किया हमने, जो उसमें चेंजेस हुआ था, एक इंट आई यहाँ पर था, वो रीलोड हो गया। चलिए, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, तभी ये आउटपुट जो है हमको सही से देगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो एंटर योर रोल नंबर, यहाँ पर एंडल लगाएंगे हम लोग, ताकि वो लाइन चेंज करके दिखाए। डिस्प्ले को हम सबसे पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, सी आउट, हम यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेट देते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे एंडल। एंडल इसलिए लिखाना है ना, तो पीछे जो है वो आउटपुट जो है आगे से निकल जाता है लाइन चेंज करके। एंडल मतलब न्यू लाइन के लिए, तो पहले वो लाइन चेंज करेगा और उसके बाद हम इसकी हेडिंग देते हैं। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, हमारे पास स्क्रीन पे काफी जगह है। क्लियर है? अब इसको मैं सेम को कॉपी करता हूँ और सेम लाइन को मैं फिर से पेस्ट कर दूंगा, दो लाइन आएगी। ठीक है, अब इसके बीच में हमको कुछ और देना है जिसको हेडिंग बोलेंगे। तो हेडिंग को कैसे दे सकते हैं, सेम फॉर्मेट लेना है तभी सिंक्रोनाइज होगा। और ये आपका हेडिंग क्या क्या चीज है, देखिए, रोल नंबर देने के बाद स्लैश टी करना है आपको, ताकि वो टैब दे, टेबुलर फॉर्म में देना है स्लैश टी। और जो भी चीज है आपको सब देते जाइए, नेम स्लैश टी, मैं जान मुझे एक स्पेस दे देता हूँ, एक स्पेस देन स्लैश टी रहेगा। क्लियर? फिर मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। हमारा मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और सब्जेक्ट 1, 2, 3, ऑप्टन। ठीक है, ये हमारा ना हो गया, जो भी सब्जेक्ट का नाम है वो हमने लिख दिया, और ये टेबुलर फॉर्म का जो डेटा है वो बंद कर दिया हमने। चलिए नाम देते हैं, रोल नंबर, नेम, यहाँ पर होगा हमारा सब्जेक्ट 1 का नाम। सब्जेक्ट 1 का जो नाम है वो क्या है हमारा, जो भी हम नाम देते हैं, अगर हमको वेरिएबल लेना है तो यहाँ पर फिर से हमको ब्रेक करना पड़ेगा। सब्जेक्ट 1, क्लियर है? फिर ऐसा ही यहाँ पर हम दो दो बार स्लैश टी हो रहा है, ओके, गड़बड़ हो रहा। मिनट, ये फॉर्मेट डबल डबल कॉपी हो गई। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट 1 मैंने दिया, और सब्जेक्ट 1 के बाद मैं यहाँ पर फिर से कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा लास्ट में समझ लेंगे, मैं भी रेडी कर देता हूँ। ठीक है, ये सब्जेक्ट 1 हो गया हमारा। सेम ऐसे ही मैं सब्जेक्ट 2 को भी रेडी करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सब्जेक्ट 2 में जो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट 2 है। देन सब्जेक्ट 3, ये हमारा सब्जेक्ट 3 है। तो जो सब्जेक्ट हम लेंगे उसको ये यहाँ पर इनपुट करेगा। तो एक स्टूडेंट के लिए ये पूरा डिटेल जो है वो प्रिंट करने वाला है। देन ध्यान, नाम के बाद होगा आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम की वैल्यू को भी हम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, ये जो है इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, और इसको भी आप चाहो तो लंबा इस तरीके से ले लो ताकि कवर करे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। एक स्टूडेंट का डेटा हम यहाँ स्टोर कराएंगे, फिर फॉर्मेट को धीरे धीरे चेंज करते जाते हैं, एक एक स्टूडेंट को ही कराते हैं। क्लियर है? चलो अब देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसे आ रहा। ये हमारा प्रोग्राम है, हमने भी डिस्प्ले फंक्शन को चेंज किया। अभी भी यहाँ पर गड़बड़ ये है कि ये बार बार रिपीट होगा ना,
अभी हमारा पूरा हुआ नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंपाइलेशन में गए, कंपाइल हो गया, रन करते हैं। एक ही स्टूडेंट मांगेगा वो अभी, है ना, फिलहाल 101 AAA सब्जेक्ट में लिखा CVB जावा, मैक्सिमम 120 और आपका है ऑप्टेन में दे रहा हूँ 70, 80 एंड 90 और एंटर रोल नंबर दिया 101। तीन बार चल रहा है फिर। यार आप लूप में वहां पे 3 लिखे थे, चेंज नहीं किए। हाँ वही, इसीलिए चल रहा है। चलो इसको, इस तरीके का जो आउटपुट आप देख रहे हैं, रोल नंबर नेम और ये जो लिखा हुआ है ना, इस ऐसा बनाने के लिए मैं, ताकि मार्कशीट जो है टेबुलर फॉर्म पर डिस्प्ले करे। ऐसा मतलब हमने जो लिखा वो आ गया, रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, CVB जावा मैक्स मिन आ गया, ठीक है, और CVB जावा के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। चलिए हम लोग करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि हमको पता चले कि ये जो लाइन बनाई गई है वो ऐसा डेटा लाने के लिए बनाई गई है। अब आप देखेंगे ये दो लाइन जो दिख रही है इक्वल इक्वल से, इसके नीचे जो डेटा आ रहा है वो वर्टिकल आ रहा है, जबकि इसको हॉरिजॉन्टल आना चाहिए। 101 AAA, फिर सी का नंबर, VB का नंबर, ऐसा आना चाहिए। उसको भी करते हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारा, उसको भी चेंजेस कर लेते हैं, मतलब काफी चीजें हमारी जो है चेंज हो चुकी है। चलिए इसमें आते हैं, अपने कोड में और भी ज्यादा उसको मॉडिफाई करेंगे हम लोग। यहाँ पर 3 ही लिखा हुआ था, इसलिए वो बार बार लूप चल रहा था। ओके चलिए आ जाते हैं। यहाँ पर हमने जो बनाया वो बिल्कुल सही चल रहा है और सही शॉट वो आउटपुट में भी डिस्प्ले कर रहा है। अब हमको करना ये है कि यहाँ पर जो ये लाइन एक आउटपुट देगी, उस लाइन को आउटपुट देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक बार डिस्प्ले और करा देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ void head, header या head लिख देते हैं, void head करते हैं। और head इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज बार बार प्रिंट नहीं होगी, यहाँ पर जो ये head है वो एक ही बार प्रिंट होता है और उसके बाद डेटा जो है बार बार प्रिंट होगा। ये head क्यों अलग किया मैंने, हेडिंग एक बार होगी और उसके बाद कई बार डेटा आएगा, तो ये डिस्प्ले वाला जो है लूप में चलेगा, तो बार बार वो ऐसा रोल नंबर ये प्रिंट करने लगेगा, इसलिए उसको हेड अलग कर दिए हैं। और डिस्प्ले में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ SI.head। एक बार हेड प्रिंट होगा, नहीं हेड को एक बार प्रिंट, ये भी तो लूप के अंदर ही लिख दिए ना, हेड को बाहर ही प्रिंट कर देंगे, यहाँ एक बार प्रिंट होगा बस। तो S0 का हेड प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी S0 का हेड प्रिंट कर देंगे यहाँ पर, क्लियर। तो S0 का हेड प्रिंट कर देंगे और ये आ जाएगा। चलिए हेड अलग कर दिया हमने। अब जो रिकॉर्ड है वो हमारा रिकॉर्ड कैसे प्रिंट होने वाला है, /N होगा और ये पूरा एक लाइन से प्रिंट होने वाला है, और वो जो लाइन प्रिंट होगी ना वो सेम ऐसे ही रहेगी ये वाली। तो मैं चुपचाप इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी के नीचे आने वाला है वो। इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये इस जगह पे पेस्ट कर दिया, क्लियर है। और ये पूरी नीचे की जो लाइन है इसको मैं डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, तो ये उसमें आ जाएगा टेबुलर डेटा में। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो रोल नंबर लिखा है ये स्टैटिक वैल्यू है, ये रोल नंबर क्या प्रिंट होना चाहिए आपका, ऐसा प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है स्पेस हटा देता हूँ। तो यहाँ पर जो रोल नंबर है वो ऐसा प्रिंट होना है, चलिए रोल नंबर की जगह होगा यहाँ पर करने से ही है, यस यहाँ पे होगा रोल नंबर। पहले वेरिएबल का नाम देखना है, सेम ऐसा ही ना, रोल नंबर, रोल नंबर के बाद यहाँ पर /T होगा, /T के बाद होगा यहाँ पर SName। ये सारे वेरिएबल्स हैं, है ना, पहले ये स्ट्रिंग है फिक्स वैल्यू, एस नेम के बाद यहाँ पर दिया और /T होने के बाद सब्जेक्ट का नाम,
सब्जेक्ट के नाम जहाँ जो सब्जेक्ट है उसके नीचे उसके मार्क्स आएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे OBT 1, सब्जेक्ट 2 में लिखेंगे OBT 2, मतलब उसका मार्क्स वहां पर आएगा, और सब्जेक्ट में लिखेंगे यहाँ OBT 3, ठीक है, और मैक्स और मिन जहाँ लिखा हुआ है वहां पर मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स आएंगे, तो यहाँ पर ये वेरिएबल में लिख देते हैं मैक्स ही है, उसका वेरिएबल का नाम भी मैक्स है, मिन को भी लिखते हैं, कोड जो है बन के रेडी है। एक बार इसका फॉर्मेट चेक करते हैं सही है कि नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा एंड एल रोल नंबर, फिर /T, फिर नाम, यहाँ पर देखो गड़बड़ हुआ, एक ये छूट गया था, ठीक है, /T, ओके, कुछ गड़बड़ होगा तो दिख जाएगा। प्रोग्राम बन चुका है, सेव कर दिया मैंने, और C++ में फिर से इसको ओपन करने जा रहे हैं। चलिए ओपन करते हैं, और मैं पहले से ओपन जो लोड वाला प्रोग्राम है उसको बंद कर देता हूँ, नया प्रोग्राम जो है उसको लोड करेंगे, और मैंने नए प्रोग्राम को लोड कर लिया है। नीचे एक बार देख लेते हैं कोड रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं, कोड हमारा हेड वाला जो पार्ट था वो आ गया है, और कोड जो हमारा रिफ्लेक्ट हो चुका है, करेक्ट है। अब यहाँ पर हम 3 या 3 कर देते हैं सब जगह पे, ताकि वो 3 स्टूडेंट का डेटा इनपुट ले, 3, और यहाँ पर भी 3। चलिए सेव करते हैं, और यहाँ पर हम इसको पहले कंपाइल करके देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई, ओके, डबल कोट फट जाएगा, कंपाइल करते हैं, एरर क्या है, अनडिफाइंड सिंबल एस नेम एन कैपिटल हो गया है, आपको ये कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान देना है, केस सेंसिटिव है। 2 एरर हुआ, OBT 1 1, OBT 1 1 नहीं है बल्कि single 1 है, देन यहाँ पर मैक्स का एम कैपिटल हो गया है। चलिए रेडी हो गया हमारा जो कोड है, वो कंपाइलेशन में 0 एरर दे रहा है, इसको पहले सेव करेंगे हम लोग, और सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। पहला रोल नंबर वो पूछ रहा है 101, ध्यान से देखना है, हमने पहला रोल नंबर दिया 101, नाम दिया ए, सब्जेक्ट का नाम दिया हमने CVB जावा, देन मैक्सिमम मार्क्स जो हमने दिया है यहाँ पर वो है हमारा, अच्छा हेड वाले में भी, ओके चलिए देखते हैं, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर है जो हमारा 100 20, और ऑब्टेन मार्क्स में जानबूझ के देता हूँ 70 70 70। सेकंड रोल नंबर 102, नाम दिया BB, सब्जेक्ट 1 में दिया मैंने CVB जावा, मैक्सिमम मार्क्स दिया 100, मिनिमम मार्क्स दिया 20, और यहाँ पर जानबूझ के उसको मैंने 80 80 और 80 दिया। थर्ड रोल स्टूडेंट का रोल नंबर 103, CC, और यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने दिया CVB एंड जावा, और यहाँ पर हम दे रहे हैं मैक्सिमम में 100 20, और इसको जानबूझ के मैंने दिया 90 90 और 90, लास्ट डेटा था। अभी ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही हमको डिस्प्ले करने वाला है, जैसे मैं एंटर करूंगा, देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म पर आपको जो कुछ डेटा है जो दिखाई दे रहा है, यही टेबल वाला जो डेटा है यही हमको देखना था। आप ध्यान से देखेंगे कि रोल नंबर 1 जो है, सॉरी रोल नंबर के नीचे 101 102 103, और नेम के नीचे AA BB और CC, फिर 70, C में जो नंबर मिला है 70 80 90, 70 80 90, जानबूझ के इस प्रकार का नंबर मैंने दिया था कि आपको याद रहे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रोल नंबर 101 है, उसको CVB और जावा सब में 70 70 70 मिला है। तो इस तरीके से अभी हम क्या करते थे, लास्ट में जब जो हमने सी पढ़ा उसमें हम एक छोटे छोटे डेटा मेंबर्स पे काम करते थे, अब एक हम स्टूडेंट नाम का एक बड़ा डेटा मेंबर पे काम कर रहे हैं जो एक टेबुलर डेटा को फॉर्म करता है। इस तरीके से आप एक्सेल का जो डिस्प्ले होता है उसका कोड कैसे किया जाता है, जो टेबुलर डेटा में बनाया जाता है, MS Word में टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, ये इस तरीके से उसका कोड हुआ होगा MS Word में,
इसी तरीके से उनको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना करके टेबल के फॉर्म में दिखाया जाता है। अब नीचे लिखा है एंटर योर रोल नंबर, मैंने एक रोल नंबर दिया मान लो 102, तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक स्टूडेंट का डिस्प्ले कर रहा है वो 102 का, क्योंकि मैंने जो रोल नंबर दिया सिर्फ उसी का डिस्प्ले करेगा, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का ही टेबुलर डेटा में सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले कर रहा है। यही हमको करना था, हमारे क्वेश्चन में बोला गया था। तो अपने डेटा को हम कैसे भी स्टोर कर सकते हैं और उसको किसी भी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में, रो के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में कैसे भी प्रिंट करा सकते हैं, इसका डिटेल जो है हमको अपने कोड में या क्लास में देना होता है। तो एक बार जब हम इसको, इस क्लास की डिजाइन रेडी कर लेते हैं, आपको पता है कि हमने क्लास की डिजाइन जो है वो रेडी कर रखी है, और अब देखेंगे कि अब कोड में क्या हो रहा है। ये हमने कोड में अपनी क्लास की डिजाइन रेडी कर रखी थी, ये क्लास बनाया और इसमें 10 मेंबर बनाए, गेट करने से वो इनपुट ले लिया, हेड करने से प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले करने से वो ऐसा फॉर्म पे डिस्प्ले कर रहा है। तो हमको कैसे डिस्प्ले कराना है ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये डिस्प्ले का एक लाइन में कोड लिखा और इसको लूप में चला देंगे, 3 बार चलाओ चाहे 30,000 बार चलाओ, यही कोड पूरे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी डिस्प्ले कर सकता है। टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जहाँ 3 रिकॉर्ड दिख रहे थे वहां 30,000 दिखेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे लूप की संख्या बढ़ाते जाना है, ऐसा यहाँ पर भी ऐसा, सब जगह जहां जहां 3 लिखा है वहां पे लूप बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन में जो बोला गया था वो तो हमको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो डेटा टाइप बनाया है ये वो एक डिवाइस बनाई गई है जो C++ में बनाई गई है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ऐसा बनाने से दूसरे सी के डेवलपर्स को ये फायदा हो रहा है कि वो एक स्टूडेंट बना रहे हैं, और सोचिए आप ये यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बनाने के लिए कंप्यूटर में प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको ये डेटा टाइप कितना हेल्प करेगा। केवल यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट हैं, आप पूछेंगे कितने स्टूडेंट हैं, वो बोलेंगे 30,000, तो यहाँ 30,000 करिए, बन गया प्रोग्राम। आपको ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, 30,000 अलग अलग स्टूडेंट का डिटेल स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा मुश्किल से 20 लाइन का प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम एक सी का डेवलपर बना करके यूनिवर्सिटी का रिजल्ट टेबुलर फॉर्म पर डिस्प्ले कर सकता है। ऐसा जो पॉसिबल हुआ है उसके पीछे कारण है ये जो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया गया, यानी ये प्रोग्राम C++ वाले डेवलपर ने बनाया ताकि सी के डेवलपर्स को काम करने में आसानी हो, यानी C++ में जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो दूसरे प्रोग्रामर्स को हेल्प करता है, दूसरे प्रोग्रामर के लिए बनाया जाता है। यानी एक फैक्ट्री है जो अपना प्रोडक्ट बना के दूसरी फैक्ट्री को देती है, वो फैक्ट्री फिर बना करके यूजर्स को देते हैं, एक दूसरे फैक्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी 6 था।